लगभग मेरे हर वीडियो में आपने इन्हें जरूर देखा होगा। आप जानते हैं ये कौन से भगवान हैं? जी हाँ, राइटली गेस्ड, ये है लॉर्ड कुबेरा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से इस अक्षय तृतीया में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ साथ हम लॉर्ड कुबेरा को भी मनाएंगे और कैसे आपको यंत्रा बनाना है, कैसे उसे एनर्जाइज करना है और अपना खजाना हमेशा के लिए भरना है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कुबेरा। जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत से ब्यूटीफुल कोइंसिडेंसेस हुए थे या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मेंशनड है कि इस दिन हुए थे। माँ गंगा धरती पे उतरी थी, इसी दिन अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, इसी दिन गणेश जी ने और वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, इसी दिन कृष्ण भगवान ने अक्षय पात्र दिया था पांडवों को कि इससे कभी भी आपका जो अन्न है वो फिनिश नहीं होगा। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन सुदामा जी जो कि उनके फ्रेंड थे, कृष्ण जी के फ्रेंड थे, उनके घर को उन्होंने महल जैसा बना दिया था, धन धान्य से उन्हें भर दिया था। इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ऑस्पिशियस दिन है माय डियर वंस, तो हमें ज़रूर जानना चाहिए कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हमें पूजा करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉर्ड कुबेरा की हम पूजा कैसे करें। ऑल दो मैं एक शॉर्ट के थ्रू आप लोगों के साथ उनकी मंत्रा क्या है, उनका मुद्रा क्या है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो मैं यहाँ पर आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ, आप उसे देखिए और जानिए। अगर आप चाहते हैं कि धन की वर्षा आप पर हमेशा होती रहे, आप कर्जों से मुक्त हो, आपको लगाना है कुबेर मुद्रा और बोलने हैं ये मंत्र। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है और साथ में अगर आप कुबेर मुद्रा के साथ करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको इफेक्ट्स देने वाला है। कैसे लगाएं मुद्रा? लास्ट के दो फिंगर्स को आपको फोल्ड करना है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को आपको थंब से हल्का सा प्रेस करते हुए आपको साइड में रखना है, आंखें बंद करनी है और आपको बोलनी है ये मंत्र। ओम श्रीम ओम रीम श्रीम रीम क्लीम श्रीम क्लीम पित्तेश्वराय नमः। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लॉर्ड कुबेरा की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। कोशिश करके आप एक लॉर्ड कुबेरा की मूर्ति ले आएं। अगर नहीं हो सकता है तो प्रिंटआउट ले आएं। प्रिंटआउट को आप फ्रेम ज़रूर कर लीजिए, लैमिनेट करा लीजिए या फ्रेम कर लीजिए। उसके बाद आपको बनाना है ये यंत्रा। अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन में वो यंत्रा, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ साथ आप बनाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये है कुबेर जी का यंत्रा। आपको इसके लिए 3x3 का बॉक्स बनाना है और साथ में आप नंबर देख सकते हैं, जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं वो है 27, 20, 25, 22, 24, 26, 23, 28, 21। रुकिए, अभी मत लिखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे लिखना कैसे है। इसकी जो स्पेशल बात है वो ये है इस यंत्र की कि जब भी आप इसे टोटल करेंगे, आप जैसे टोटल करेंगे ये आएगा 72। 72 को अगर आप सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो आता है नंबर 9। एंड माय डियर वंस, ये नंबर 9 जो है यहीं पे वो सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसे कैसे लिखना है इसका सीक्वेंस आप देख लीजिए। हमें इसे क्लॉकवाइज लिखना है। कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे आप? 24, देन 28, 23, 22, 27, 20, 25, 26, then last में आप देखेंगे 21। बेसिकली हम क्लॉक आगे बढ़े हैं। अब आपको कोई भी कॉइन लेना है, एक ही डिनोमिनेशन का होना चाहिए, एक ही साइज का, एक ही जैसा होना चाहिए। अगर 1 रुपी का ले रहे हैं आप तो 1 रुपी का होना चाहिए, 5 रुपी का ले रहे हैं तो 5 रुपी का होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जिधर ये 1 और 5 लिखा है उसका मुंह नंबर की तरफ होना चाहिए, तो आप रखेंगे इस तरीके से। आप सारा प्लेसमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर रेड एंड वाइट कलर के फ्लावर से इसकी पूजा करनी है। थोड़ा अक्षत, थोड़ा हल्दी कुमकुम से आप इसकी पूजा करें। उसके बाद आप 2 घी का दिया जलाएं, थोड़ी अगरबत्ती, धूप, ये सब आप जला सकते हैं। उसके बाद आपको चैंट करना है कुबेर मंत्र जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। साथ में अगर आप कुबेर मुद्रा लगाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जब आप ये मंत्र बोल लें 108 टाइम्स, उसके बाद आप इसे, इस यंत्र को रख दें कुबेर के स्टैचू के नीचे।
रखने के बाद ये जो क्वाइंस है इसका क्या करना है, रेड कलर या फिर ग्रीन कलर के कोई भी कपड़े में इसे आप बांधें, बांध कुछ आप रख सकते हैं अपने वॉलेट में, पर्स में, कुछ आप रख सकते हैं अपने तिजोरी के अंदर। इस मंत्र का जाप आपको कितने दिन करना है, 72 डेज करना है मंत्र का जाप, बिना रुके बिना थमे आपको मंत्र का जाप करना है। ओके, रोज आपको देसी घी का दिया जलाना है ऐसा नहीं है, आप रोज नॉर्मल कोई भी तिल का तेल का दिया आप जला सकते हैं, साथ में अगरबत्ती आप जला सकते हैं, और इस मंत्र का जाप आपको एटलीस्ट 72 डेज ज़रूर करना है। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं सुन सकते, तो माय डियर वंस मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर पिल्ले का शेयर किया हुआ तरीका, जो उन्होंने शेयर किया है वो क्या है वो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखाने वाली हूँ। आप देखिए 27 20 25, आप देख सकते हैं इस नंबर के सीक्वेंस को, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 27 को आप 9 टाइम्स बोलेंगे, 20 को आप 9 टाइम्स बोलेंगे, कैसे, 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27, फिर आप बोलेंगे 20 20 20, इस तरह से 9 टाइम्स आप बोलेंगे, फिर 25 को 9 टाइम्स बोलेंगे, नेक्स्ट लाइन आप बोलेंगे 22 22 22, ऐसे करके 24 26 23 28 21, इसको 9 टाइम्स आपको बोलना है। उसके बाद आपको फिर आपने ये ऐसे इस लंबाई में कर लिया, वर्टिकली कर लिया, अब आपको हॉरिजॉन्टली भी करना है, 27 22 23, इसको भी आपको 9 टाइम्स बोलना है, 20 24 28 को, 25 26 21 को। इस तरीके से आपने एक दिन किया, ऐसे आपको 72 डेज करना है। अगर आप कहते हैं 72 डेज इज़ वेरी बिग डेज, वेरी लॉन्ग पीरियड आप कह रहे हैं, तो आप 9 डेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका खजाना हमेशा बढ़ा रहे तो आपको ज़रूर 72 डेज करना चाहिए, आपको ज़रूर पूजा करना चाहिए। आपकी पूजा को ईजी करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कल ही मंत्र जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको सिर्फ कानों में लगाना है, कानों में लगा के लॉर्ड कुबेरा की पिक्चर के आगे आपको बैठना है। ओके, इस तरीके से आप पूजा करें कुबेरा की। अगर आप चाहते हैं कि अक्षय तृतीय वाले दिन आपको और बेनिफिट होना चाहिए, और मनी का गेन होना चाहिए, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए, तो आप माँ लक्ष्मी की भी ज़रूर पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा आप करें श्रीम मंत्र के साथ। अगर आपके पास पाइराइट का, अगर आपके पास टाइगर्स आई का, अगर आपके पास माला है तो आप उससे करें, अगर नहीं है तो माय डियर वन सबसे ब्यूटीफुल होता है कमल गट्टे का, अगर आपके पास माला है तो आप इससे जाप करें। आपको बोलना है श्रीम 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 श्रीम, इस तरह से आप जाप करें। इसी तरह से आप हवन कर सकते हैं, कमल गट्टे का आप बीज ले आएं मार्केट से, कमल गट्टा ले आएं और उसके साथ उसमें आप घी को मिक्स करें, घी को मिक्स करके आप हवन सामग्री के साथ साथ इसे स्वाहा श्रीम स्वाहा ऐसे करके आप हवन कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए आपको इस दिन, सारी पूजा स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा स्टार्ट नहीं हो सकती गणेश जी की पूजा के बिना। आपको गणेश जी की पूजा करनी है, आपको अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय या फिर ओम का जाप आप करें, उसके बाद इनके ब्लेसिंग्स लेने के बाद आप कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप विष्णु जी की भी ज़रूर पूजा करें, उन्हें ज़रूर तुलसी चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर इस तरीके से आप इस दिन पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप डोनेशंस करें, डोनेशंस में आपका जो मन आता है, जो अनाज आपको बांटना है आप बांट सकते हैं, पैसे दान करना चाहते हैं पैसे दे सकते हैं, अगर आप मिट्टी का घड़ा दान करना चाहते हैं आप वो दान कर सकते हैं, आप कुछ खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दान कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को दान कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है आप उन्हें दान कर सकते हैं। आप सबको अक्षय तृतीय की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ, आपका ये दिन जो है वो बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से पूजा कर सकें, किसी को आप अपशब्द ना बोलें, किसी का आप दिल ना दुखाए, बहुत मीठे बोल बोलें और बहुत सारी कृपा आपको लॉर्ड कुबेरा की, माँ लक्ष्मी की, लॉर्ड विष्णु की होती रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।